नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें आप नया टायर खरीदते वक्त ज़रूर अपने दिमाग में रखें। तो आप सभी को पता ही है कि जैसे ही लोग नई गाड़ी लेते हैं तो वो उसके सबसे पहले उसके जो टायर्स होते हैं जो गाड़ी के साथ आते हैं तो उनको वो चेंज करवा लेते हैं। तो ऐसे में कई दुकानदार इन टायर्स को ब्रांड न्यू बताकर इन्हें बेचने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप नया टायर लेने जाएं तो वो जो टायर्स हैं तो उनके ऊपर जो स्पाइक्स हैं वो लगे हुए हों। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाले जो दोस्तों टायर हैं तो इन सभी टायर्स के ऊपर जो स्पाइक्स हैं तो वो लगे हुए हैं। तो कुछ किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद ये जो स्पाइक्स होते हैं तो ये फ्रिक्शन की वजह से ये घिस जाते हैं। तो ये हमेशा ही जो नए टायर्स होते हैं तो उन पर ही ये स्पाइक्स होते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है कार का मैन्युफैक्चरिंग ईयर। तो हम में से बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं। जब भी हम नए टायर डलवाने जाते हैं तो आमतौर पर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कार का मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो टायर्स हैं तो वो एक साल से कम पुराने टायर आप ना लें। अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर एक साल पुराना है तो उसको कभी मत लें। तो जैसे ये जो टायर है तो मैं आपको इस पर दिखाता हूँ, इस पर भी मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो इसके फ्रंट में है 08, इसका मतलब हो गया कि ये इसका वीक है और 22 इसका ईयर हो गया। तो यानी ये 8वें हफ्ते में 2022 के 8वें हफ्ते में ये जो टायर है तो ये मैन्युफैक्चर हुआ है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और हमेशा मैन्युफैक्चरिंग ईयर देखकर ही टायर्स को ख़रीदें, क्योंकि जो रबड़ होती है तो इसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो आप जितना पुराना टायर आप लेंगे तो उसकी लाइफ उतनी ही कम हो चुकी होगी, चाहे वो ना चला हो पर उसकी लाइफ कम हो जाती है जितनी पुरानी डेट में वो बना होगा। तो ऐसे ही मैं आपको एक और भी टायर दिखाता हूँ। तो जैसे आप ये वाला टायर देख सकते हैं तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 21वें हफ्ते में 2021 के 21वें हफ्ते में हुई है। तो दोस्तों, होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।